हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम कर रहे थे अपना हायर एजुकेशन, जो पेपर वन है यूनिट टेन इसका, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी तक कर चुके हैं वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन जो थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ करी थी, जो अपनी बुद्धिस्ट एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ थी बुद्धिस्ट टाइम पर, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। ठीक है, इस तरह की सारी जो यूनिवर्सिटी थे वो हमने करी थी। फिर हमने करी थी प्री एजुकेशन, जो ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम पर जो इवेल्यूएशन हुआ था, मतलब हायर लर्निंग के लिए पॉलिसीज़ क्या आई गई, वो कैसे हुआ, तो अपन ने वो अच्छी तरह से करी थी ट्रिक्स के थ्रू, है ना, कि चार्टर एक्ट जो आया था उसको अपन ने एक पेज पर लिख के दिया, फिर वो हिंदू कॉलेजेस में गया, फिर हिंदू कॉलेज में उस पर पढ़ा कि एलिफेंट पकड़ के लाना है। तो इस तरह से अपन ने एक पूरी स्टोरी के थ्रू अपन ने पढ़ा था उसे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, ताकि आपको एक बेस क्लियर हो जाए कि है क्या चीज़, चलता क्या आ रहा है, हायर एजुकेशन है क्या, उसमें क्या क्या इवेल्यूएशंस आए हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आज हम लोग क्या करेंगे, प्री जो इंडिपेंडेंस है वो हमने कर लिया था, इसमें सारी पॉलिसीज हमने कर ली थी। अब करेंगे हम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, बोले तो 1947 के बाद जो इंडिया में जो भी पॉलिसीज आई हैं, जो भी इवेल्यूएशन हुआ है हायर लर्निंग में, उस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ज़रूर, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स करके पूछेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इवेल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस बोले तो इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद क्या क्या इवेल्यूशन हुए। तो पहली कमेटी देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठ के ये आया है कि थर्ड कमेटी कौन सी थी। ठीक है, कि हायर एजुकेशन की पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद थर्ड कमेटी कौन सी थी, तो वो क्वेश्चन आपका उठ के आया है। तो हमें यहाँ पे चार कमेटीज याद करके रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली कमेटी कौन सी थी, राधा कृष्णन कमेटी। ठीक है, सबसे पहली जो कमेटी है वो क्या है, राधा कृष्णन कमेटी, 48 से 49 के बीच में। ठीक है, 47 में आज़ाद हुआ इंडिया, उसके बाद 48 से 49 के बीच में एक ये कमेटी आई। इसने क्या किया, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप ऑफ यूजीसी। इसने रिकमेंडेशन दिया, क्या दिया, कि आप सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को इंटीग्रेट करो, किसके थ्रू, ताकि यूजीसी को, यूजीसी के थ्रू। ठीक है, यूजीसी को सेटअप कीजिए और उसके बाद इन दोनों को इंटीग्रेट करो। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि उसने गांवों में यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है, जो राधाकृष्णन कमीशन थी उसने। फिर क्या हुआ, फिर इसने एनकरेज किया वुमेन्स एजुकेशन को भी। ठीक है, भी वुमेन्स को भी पढ़ाया जाए, उनको भी अच्छे से जो है वो पढ़ाया जाए, उनको भी पूरे हक दिए जाएँ, तो ये सारी उन्होंने यहाँ पर बात करी गई थी। फिर क्या था, फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी इन रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि जो 7 से 14 ईयर्स के जो चाइल्ड हैं उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही समझाया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, कि उनको ऐसा ना हो कि उनको जो उनकी जो लैंग्वेज है, मतलब अगर वो कोई महाराष्ट्र से है और उसको मराठी आती है, तो उसको सिर्फ मराठी में ही उसके जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो वो इंस्ट्रक्शंस मराठी में ही दी जाए, ऐसा ना हो कि आप उसे इंग्लिश में दें या फिर आप किसी और लैंग्वेज में दें, तो वो उसे समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी। ठीक है, तो अगर पहले यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा कि फर्स्ट कमेटी कौन सी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएगा आपका डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ ट्रिक्स बनेंगी मैं आपको ट्रिक्स भी साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको साथ साथ याद करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ ट्रिक एक ऐसी बनती है, देखो पहले राधा, RADHA राधा। ठीक है, अब राधा, राधा के साथ कृष्ण भी है, है ना, राधा के साथ कृष्ण भी है। अब राधा तो चली गई, अब राधा चले गए तो उसके पीछे पीछे कृष्ण, अब कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, मुरारी या मुरलीधर, मुरलीधर से कैसे, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये यही नाम। ठीक है, कि मुदैलियर कमीशन। ठीक है, तो मुरली से आप याद कर सकते हो मुदैलियर कमीशन। तो राधा के पीछे पीछे क्या हुआ, जो कृष्ण भी आया, मतलब मुदैलियर कमीशन भी आया। ठीक है, अब आया कब, ये 1952 से लेके 53 तक आया। ए एजुकेशन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मणा स्वामी मुदैलियर। ठीक है, इनके अंडर हुई थी, उसे नॉन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको क्या कहते हैं,
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। इसने रिकमेंडेशन दिया था 3 ईयर्स सेकेंडरी एंड 4 ईयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि 3 ईयर जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन हो और जो 4 ईयर की है वो हायर एजुकेशन सिस्टम हो, ठीक है। तो ये दो हैं। अब इसके बाद थर्ड जो है वो अपने कमीशन आए थे, अपन थर्ड से पहले जो छोटी 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 कमीशन थी वो भी बात कर लेते हैं। क्या है, श्री के एल श्रीमली कमेटी, ठीक है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, नोन एज ऑन हायर एजुकेशन ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। देखो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, श्रीमली माली, माली से याद कर सकते हैं, माली। माली कहाँ पाए जाते हैं, रूरल एरियाज में, ठीक है। माली उठ के रूरल एरियाज से आते हैं और वो शहरों में आके काम करते हैं, ठीक है। तो आप माली से याद कर सकते हैं कि इसने हायर एजुकेशन की बात कहाँ कही थी, रूरल एरियाज में की थी। फिर आते हैं श्रीमती श्रीमती दुराबाई देशमुख कमेटी। अब देखो, अब यहाँ पे जब बाई की बात आ गई, अब देखो अपन कहते हैं ना बाई, ठीक है। तो बाई की जब बात आ गई तो वहां पे आएगी वुमेन्स की बात, ठीक है। श्रीमती दुराबाई देशमुख कमेटी, तो यहाँ पे बात आती है वुमेन्स की, ठीक है। वुमेन्स की बात यहाँ पे आएगी, सॉरी यहाँ पे ना दुर्गा बाई आएगा, एक सेकेंड, ये आएगा दुर्गा बाई, ठीक है। DUGRA दुर्गा बाई। तो दुर्गा से क्या हुआ, दुर्गा से आपकी होगी वुमेन, वुमेन एजुकेशन। उसके बाद आया प्रोफेसर के जी सैडियन कमेटी, ये कब आया, 1960 में आया, नोन एज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिव्यू कमेटी एजुकेशन। जो UGC बनी थी ना, जो रिकमेंडेशन दी गई थी UGC की, और UGC बनाई गई थी, ठीक है। अब UGC देखो, मैंने कल भी बात की थी कि 1953 में जो है वो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसे सेटअप कर दिया गया था। तो अब उसे सेटअप कर दिया कि वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके बारे में जाँच करना, इसके बारे में रिव्यू लेना इस कमेटी का काम था, ठीक है। देखो 1954 में, पहले 53 में अपनी UGC बन गई, 53 में क्या हुआ, वो UGC को सेटअप कर दिया। अब 54 में क्या हुआ, 54 में माली, माली आए, माली कहाँ से आए, रूरल एरिया से। अब रूरल एरियाज में हायर एजुकेशन की बात की गई। फिर दुर्गा भाई, अब दुर्गा जहाँ पे आ जाए वहाँ पे बात आएगी किसकी, वुमेन्स की। अब वुमेन्स एजुकेशन की बात आएगी दुर्गा वाले में, ठीक है। दुर्गा बोले तो मतलब लड़की का नाम होगा ना दुर्गा, तो वहाँ की बात आ गई। उसके बाद क्या है, KGS सैडियन कमेटी। अब KGS देखो यहाँ पे जी, इसे जी से याद कर सकते हो जी, ठीक है। ये बीच में है ना, UGC KGS, तो जी से याद कर सकते हो, मतलब रट्टे ही मारने या ट्रिक बनाने, जैसे भी आपको सही लगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से याद कर सकते हो कि जी के थ्रू KGS या KGS सैडियन। तो देखो सैडियन से आप याद कर सकते हो कि जो क्या कुछ सैडनेस थी क्या UGC में, सैडियन से आप जा सकते हो क्या कुछ जो सैडनेस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या UGC में, उसके रिव्यू के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है। उसके बाद बात आती है थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है आपकी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यही एक कमेटी थी जो अभी तक सबसे ज़्यादा चलती आई है, जिसका पैटर्न अभी तक चलता आया है। 2020 में जाके उसका थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वो अलग से है, वो मतलब बात अलग है, लेकिन जो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो कोठारी कमीशन ही है, ठीक है। अब देखो, अब हमने कल बात करी थी, जब इससे पहले पढ़ा था हमने कोठारी कमीशन, तो कोठारी कमीशन का जो है वो प्रीडिसेसर कौन था, अगर आपने पढ़ा हो, अपने वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन थी, जिसके हम कहते हैं सैडलर कमीशन भी कहते हैं ना, तो कोलकाता, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन वो बनाई किस लिए गई थी, क्यों कि जो कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उनको उनको रिव्यू करने के लिए, उनका रिव्यू करने के लिए जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सैडलर कमीशन भी कहते हैं। अब वो जो कमीशन थी, वो जो थी, वो इसका प्रीडिसेसर थी, क्योंकि जो इसने जिसका 10+2+3 का जो ये पैटर्न दिया था, सॉरी जो 10+2+3 का जो पैटर्न दिया था वो उसने पहले दिया था, उसके बाद यहाँ पे आकर इसको अच्छे से अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, कोठारी कमीशन की। अब कोठारी कमीशन कब आई, पहली बात तो 14 जुलाई 1964। देखो तीन डेट्स हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी, कौन कौन सी, एक तो 64, फिर उसके बाद 68, और उसके बाद एक है 86, ठीक है। ये तो डायरेक्ट है 64 आपको करनी पड़ेगी, फिर 4 साल का गैप, फिर 68, और फिर उसको उल्टा कर दो 86। ये तीन डेट्स आपको मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों आएंगी पॉलिसीज के बारे में, ठीक है, ये तो दोनों आएंगे पॉलिसीज के बारे में, और जो ये 64 है ये है अपनी कोठारी कमीशन के बारे में, ठीक है। तो कोठारी कमीशन आया कब, 1964 में। स्टैब्लिश इसने क्या किया, इंडियन एजुकेशन सर्विस को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब इसने जो सबसे बड़ी बात करी थी वो ये बात करी थी कि जो आप
नेशनल इनकम जो है होगी आपकी कंट्री की, उसका 6% आप जो है वो स्पेंड करेंगे एजुकेशन पे। ठीक है, इसका जो 6% होगा आपकी जो नेशनल इनकम का, उसका 6% आप इंप्लीमेंट करोगे, या आप यूं कहो कि स्पेंड करोगे अपनी एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, और जो ये 6% वाला क्राइटेरिया है वो कब बनी, देखो 64 में बनी थी और 2020 में जाके ये इंप्लीमेंट हुआ था। अब जाके इस साल में जाके ये इंप्लीमेंट हुआ है कि 6% जो नेशनल इनकम का वो स्पेंड किया गया है एजुकेशन पे। ठीक है, और इसका जो अभी तक हम सब पढ़ते आ रहे हैं, हमने अपनी 10th करी, फिर उसके बाद प्लस टू करी, फिर उसके बाद डिग्री कोर्स करा, तो ये जो पैटर्न बनाया गया था, ये जो पैटर्न दिया था वो कोठारी कमीशन ने ही दिया था। ठीक है, आया कब था, 64 से 66 के बीच में, हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो, इसे हम एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। रिकमेंड किया था इसने क्या, कि कॉमन स्कूल सिस्टम हो, कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई जात पात ना हो, कॉमन स्कूल सिस्टम हो यहाँ पे सभी के साथ। ठीक है, फिर क्या बात करी थी इसने, डेवलपमेंट फॉर प्रोग्राम फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन की इसने यहाँ पे बात करी थी। ठीक है, अब इसने यहाँ पे ना जो है फ्रीडम की बात भी करी थी, कि जो अपने एकेडमिक, जैसा ये बात करी एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स। ठीक है, तो इसने फ्रीडम की बात करी, टीचर्स के पास फ्रीडम हो। फिर यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज की बात करी थी, कि आप जो नेटिव लैंग्वेज में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इसने यहाँ पे दिया था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन भी, सबको इक्वल एक्सेस हो, कोई भी ऐसा ना हो, कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसा पर्सन जो पढ़ना चाहता है उससे एजुकेशन छूट ना जाए, इसलिए इक्वल एक्सेस है सभी को, इक्वल एक्सेस हो सभी को। ठीक है, फिर इसने बात करी फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके बेस पे आप सीट्स को फिक्स करो, कि कॉलेजेस में 60 सीट्स होंगी एक क्लास में, 70 सीट्स होंगी, 80 सीट्स होंगी, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो आपका डिपेंड करेगा किस पे, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज पे, जब आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उस पे डिपेंड करेगा। फिर ये बात करता है किसकी, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, कि आप सोशली भी उनको इतना डेवलप करो, उनका नेशनल इंटीग्रेशन भी करो, ताकि वो कुछ ना कुछ काम आए, मतलब देश के काम आए, एजुकेशन उनका इतना मजबूत करो। ठीक है, फिर बात करता है एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की, भी मॉडर्नाइजेशन भी हो, ऐसा ना हो कि आप पुरानी चीज़ें पढ़ाते रहें, ऐसा ना हो आप नई चीज़ें भी वहाँ पे लेके आए। ठीक है, फिर ये बात करता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की, भाई ठीक है आप क्वांटिटी तो दीजिए, मगर क्वांटिटी के साथ आप क्वालिटी को जो है वो क्वालिटी के साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए, कि क्वालिटी भी बेस्ट दीजिए, उनको पढ़ाओ भी अच्छा, ऐसा ना हो सिर्फ वो बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे तो आप उनके अटेंडेंस लगा दीजिए, ऐसा ना करो जैसा कि आज होता है ये प्रेजेंट में है। यहाँ पे टीचर्स या यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आज के टाइम पर जो है वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, इस कारण बच्चों को आज के टाइम में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका जो है मेन मुद्दा था। ठीक है, तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपकी जो थर्ड कमेटी थी वो कौन सी थी, तो वो आएगा अपना कोठारी कमीशन, आई कब 1964 में आई थी। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका कितने परसेंट जो नेशनल इनकम का कितने परसेंट स्पेंड करना है अपने को एजुकेशन पे, तो वो है अपना 6%। पैटर्न कौन सा था, 10+2+3 वाला पैटर्न इसने दिया था। ठीक है, तो ये जो कोठारी कमीशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ कमीशन। अपने को चार ही कमीशन मेनली, तो अपने को चार कमीशन लाइन टू लाइन याद करनी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ कमीशन किसकी है, संपूर्णानंद कमेटी, किसकी, संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्ण भाई सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, संपूर्ण हर चीज में संपूर्ण, तो वो क्या बात करते हैं, कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, कि भी वो आप जो पढ़ा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को, बच्चों को आप इमोशनल भी थोड़ा सा बनाइए, वो दूसरों को, चीज़ों को समझ पाए। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिंपथी, एक होता है एम्पथी। सिंपथी कि आप दूसरों को, दूसरों की प्रॉब्लम को समझ सको, ये हुआ आपका सिंपथी। लेकिन अगर आप एम्पथी की बात करें, ई की बात करें एम्पथी, तो एम्पथी में क्या आता है कि आप
उस पर्सन की जगह खड़े होकर उस प्रॉब्लम को जो है या उस सिचुएशन को जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ आती है आपकी एम्पथी में। तो सोशल जो है आपका, इसमें बात करी गई थी संपूर्णा कमेटी में, संपूर्णानंद कमेटी में, वो ये बात करी गई थी कि आप पढ़ाओ तो सही, लेकिन वहाँ पे सिंपथी और एम्पथी दोनों का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सबसे मेन बात करी गई थी वो ये बात करी गई थी, रिकमेंडेशन दिया था कि आप यहाँ पे नेशनल एंथम को स्कूल्स में गवाओ, ठीक है। उसके बाद करिकुलम की यहाँ बात करी थी, स्कूल यूनिफॉर्म्स की यहाँ पे बात करी गई थी कि आप जो है स्कूल यूनिफॉर्म्स के को लगवाओ, भाई ऐसा ना हो कोई बच्चा कितना कोई कपड़े पहन के आ रहा कोई कैप, तो सबके लिए एक प्रॉपर जो है वो चीज़ें हो, मतलब सबके लिए सेम हो, इक्वल हो सबके लिए चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको चीज़ बताई थी, तीन डेट्स बताई थी, कौन सी, एक तो 64 जो कोठारी कमीशन थी, फिर बात आती है 68 की, ठीक है। अब 68 में क्या हुआ था, 68 में अपनी एक पॉलिसी आई थी, ठीक है, जो बेस किस पे थी, कोठारी कमीशन पे बेस्ड थी, ठीक है, कोठारी कमीशन पे बेस्ड थी। देखो ये जो कमेटी है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली तीन कमेटी ही इंपॉर्टेंट है और उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस तरह ये पॉलिसी हो गई, ये वाली पॉलिसी और 68 वाली पॉलिसी, 68 और 86 दोनों वाली पॉलिसी, इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की किस पे बेस्ड थी, पहली बात तो कोठारी कमीशन पे बेस्ड थी, आई कब, 68 में, ये है फर्स्ट पॉलिसी, और जो सेकंड पॉलिसी आई वो आई 86 में, इसका उल्टा हो जाएगा 86, ठीक है। इसने किसकी बात करी कि टू इम्प्रूव एट ए स्टेज एंड गेव मच ग्रेटर अटेंशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंस जाहिर करने की बात की, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस कैसे जाहिर करें कि भाई उस पर आप फोकस डालिए, बच्चों को उसके बारे में सिखाइए, वो चीज़ वहाँ पे बात करी गई, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल जो है रिकंस्ट्रक्शन की बात करी गई, रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन बोले तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज करने की बात की गई कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करिए, ये यहाँ पर बात की गई, ठीक है। उसके बाद बात आया नाग चौधरी कमेटी की, ठीक है, डॉक्टर नाग चौधरी कमेटी 1968। यहाँ पे ना देखो, अब नाग जो है वो नाग किसी ना किसी चीज़ का रिव्यू कर रहा है, ठीक है। नाग क्या है, नाग के सामने आपने दूध रख दिया तो वो रिव्यू कर रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, रिव्यू कर रहा है, दूध में कुछ जहर जूर तो नहीं है, जहर होगा तो जहर से तो कट जाएगा, लेकिन उसने वो क्या कर रहा है, वो रिव्यू कर रहा है कि ये मेरे को दूध पिलाने के बहाने मेरे को पकड़ तो नहीं रहे या सिर्फ दूध पिला रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या, वो रिव्यू कर रहा है एक तरीके से अपनी सिचुएशन को, रिव्यू कर रहा है ये नाग। अब ये जो नाग है, ये नाग किस चीज़ का रिव्यू कर रहा है, एनसीईआरटी का, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि नाग चौधरी जो है वो रिव्यू करता है एनसीईआरटी का। तो रिव्यू कमेटी बनाई गई थी ऑन द वर्किंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बोले तो एनसीईआरटी। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो नाग चौधरी कमेटी किस चीज़ का रिव्यू करता है, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। हायर एजुकेशन में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपको डेट्स याद होनी है और दूसरी आपको फुल फॉर्म्स। डेट नहीं भी याद होंगी ना तो एलिमिनेशन मेथड से कहीं ना कहीं आपको आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको अगर सभी डेट्स याद नहीं है और आपको सिर्फ दो या तीन डेट्स याद हैं तो आपका एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, गारंटीड। एलिमिनेशन मेथड क्या होगा वो भी मैं बताऊँगा आपको, मगर यहाँ पे आपको जो है वो फुल फॉर्म्स जो है वो थोड़ी टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी डायरेक्ट होनी चाहिए कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे वो गलती क्या करेगा आपके साथ, एजुकेशनल की बजाय एजुकेशन दे देगा, फिर वहाँ पे आप जब टिक करके आओगे तो आपका गलत हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत भारी पड़ सकती हैं, तो आपको फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो, अब श्रीमती मीना जो मीना स्वामीनाथन कमेटी, अभी ये आई कब थी, 70 में, पहली बात तो। स्टडी ग्रुप ऑफ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है, प्री स्कूल चाइल्ड की बात करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हल्का सा पढ़ के जाना, ठीक है। ये बात करता है किसकी, चाइल्ड एजुकेशन की, चाइल्ड प्री स्कूल कमेटी की। फिर उसके बाद बात आती है गजेंद्रा गदकार कमेटी, वाह क्या नाम है, ठीक है। तो गजेंद्रा गदकार कमेटी ऑन गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ठीक है, ये आई कब, 71 में। ये छोटी छोटी पॉलिसियाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसने रिकमेंडेशन किस चीज़ के लिए दी थी, ऑटोनोमस कॉलेजेस, मतलब कॉलेजेस को आप थोड़ी सी जो है वो इंडिपेंडेंस दीजिए, ऑटोनोमस कीजिए कि वो अपने हिसाब से भी थोड़ा सा काम कर सकें। तो ये इसने, इस कमेटी ने ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है।
फिर आता है पीडी शुक्ला कमेटी। अब पीडी शुक्ला कमेटी 72 में ही, इसने इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा काम किया, 10+2+3 वाले जो स्ट्रक्चर है इसने वो चीज दी, ठीक है। उसके बाद 76 में आई थी एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे ना बात आती है थोड़ी सी अपनी, जब अपना 2002 में हुआ था शायद, एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो अमेंडमेंट में क्या हुआ, अमेंडमेंट में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने 2002 में ना एक चेंज किया था, ठीक है, इसी से रिलेट करता है, इसलिए मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, किस चीज़ के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन किसके लिए, 6 to 14। अभी जो पेपर हो रहे हैं या हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन बना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन किस कितने से कितने एज वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 6 to 14 ईयर के चाइल्ड के लिए ये जो है फ्री एजुकेशन का सिस्टम यहाँ बनाया गया है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी। ये 86th टाइम जो थी वो अमेंडमेंट करी थी, कब, 2002 में, और उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कंसेप्ट लेके आए थे किसके थ्रू, फंडामेंटल राइट के थ्रू, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट है ये हर एक बच्चे का कि उसको जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की कराई जाए, ठीक है। तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया था। अब यहाँ पे जो एंट्री 25 है, यहाँ पे एक 42, देखो वो कौन सी में थी, वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में थी। यहाँ पे जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो वहाँ पे क्या बात करी गई कि अमेंडमेंट एट द सेंटर वाज आल्सो गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद द स्टेट एंड ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे बात करी गई कि यहाँ पे सिर्फ सेंटर नहीं, यहाँ पे सेंटर नहीं करवाएगा। देखो तीन तरह की लिस्ट होती है, तो यहाँ पे एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट बोले तो तीन तरह की कौन सी, एक तो सेंटर लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों आते हैं, आपका स्टेट भी आ जाएगा और आपका जो है वो सेंटर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करी गई कि ये दोनों मिलकर करेंगे, ऐसा ना हो कि सिर्फ स्टेट जो है वो चलाए या फिर जो है सेंटर अपने चलाए, ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो ही बात बनेगी आगे। तो यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात करी गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करी गई श्री ईश्वर भाई पटेल कमेटी, ठीक है, ईश्वर भाई पटेल। अब ईश्वर ने क्या बात करी, ईश्वर ने बात करी कुछ 10 सालों की, ठीक है। यहाँ पे 10 साल क्या बोले तो रिव्यू कमेटी ऑन द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल। तो 10 ईयर की बात करी ईश्वर को 10 ईश्वर है, आप यूं याद कर सकते हैं कि 10 ईश्वर, ठीक है, ईश्वर बोलते 10, ठीक है, हमारे 10 ईश्वर, ठीक है, इस तरह याद कर सकते हो आप कि हमारे 10 ईश्वर। इसने 10 ईयर की जो स्कूल है उसके करिकुलम के लिए रिव्यू करने के लिए कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ से इस पेज पे से जो अपनी इस स्लाइड है, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एक तो ये 1976 में से कि जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बात करी गई और ईश्वर वाली बात, ठीक है, और इसके अलावा कोई खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, मगर फिर भी हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DP चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन जो बनाया गया था टीचर्स का, वो क्या था, वो पहली बात तो किसके चेयरमैनशिप के अंडर था, वो था DP चट्टोपाध्याय के, ठीक है। ये आया कब, 83 से 85 के बीच में आया, किसकी बात करता है, स्किल रिलेटेड टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने की बात करता है, किसके, किसमें, टीचर्स इसका यूज़ करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि टीचर्स हमेशा व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते रहे चॉक पेन से, ऐसा ना हो वो स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाएं, वो प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाएं, ठीक है, वो नॉन कन्वेंशनल जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल करके, एड्स का इस्तेमाल करके वो पढ़ाएं, ठीक है, जब हम टीचिंग एड्स में पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो सिलेक्शन हो टीचर्स का वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बेस पे हो, जैसे कि अभी NTA आपका एग्ज़ाम ले रहा है या UPSC लेता है, SSC लेता है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो हो, ठीक है, कि एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शंस हो, उस पर आपका टिक हो, बैंकिंग के भी एग्जाम्स ऐसे हैं, तो ये बात हो। फिर यहाँ पर रेटिंग स्केल की बात करी गई, ग्रुप डिस्कशन की, पर्सनल इंटरव्यूज़ की बात करी गई, तो ये आपको लगभग हर एग्ज़ाम में आज के टाइम पर देखने को मिल जाएगा। तो ये बात करी गई थी उस टाइम पर सिर्फ स्पेशल टीचर्स के लिए, ठीक है। अब आगे अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट 86 में सेकंड एजुकेशनल पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, पहली कब आई थी 68 में और सेकंड कब आई है 86 में, ये दोनों डेट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ बात करी गई यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट की, किसकी बात करी गई,
यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट की, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरी बात करी गई वो बात करी गई इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखो मैंने पहले ही बताया कि आप क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ये बात वहाँ पे भी की गई थी और यहाँ पे भी की गई। फिर इंट्रोड्यूस्ड फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यहाँ पे योगा को और फिजिकल एजुकेशन को महत्व दिया गया और यहाँ पे इसको लेके आए, ठीक है। जो इसका टैग था वो था चैलेंज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी परस्पेक्टिव, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात करेगी, ठीक है। फिर बात आती है आचार्य रामामूर्ति कमेटी की। रामामूर्ति कमेटी 1990 में, कमेटी ऑफ रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ठीक है। तो रामामूर्ति राम जो था वो मूर्ति बन के, राम जो मूर्ति बन के जो इससे पहले जो कमेटी ये एजुकेशन पॉलिसी है इसका रिव्यू करने के लिए ये बनाई गई थी, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि राम मूर्ति बन के अपने ऊपर जो भी चीज़ चल रही हैं उसकी उसका रिव्यू कर रहे हैं, भाई किसी को पता नहीं लगे कि रिव्यू कर रहा हूँ, तो इसलिए वो मूर्ति बन गया, जो राम था वो मूर्ति बन गया और अपने ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सी है एजुकेशन पॉलिसी है, कौन सी 1986 वाली। फिर बात आती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1996 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये कब आया 1992 में आया। देखो अब 1986 के साथ काफ़ी सारी चीज़ें लिंक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1992 में क्या है, अप्रूवल टू रेगुलेट द एडमिशन प्रोसीजर, क्या है अप्रूवल दिया गया कि रेगुलेट कीजिए आप एडमिशन प्रोसीजर को। फिर फोकस किया गया किस पे, मॉडिफाई करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी 1996, जो 1996 में आपने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसका उसको थोड़ा और मॉडिफाई कीजिए, उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है। अब बात आती है यशपाल कमेटी। देखिए यशपाल कमेटी दो बार आई है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक तो अभी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक जो आई है यशपाल कमेटी वो आई है आपकी 1993 में, और जो दूसरी आई थी वो आई थी 2009 में, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूज करेंगे, तो होना मत, एक पढ़ेंगे अपन इस वीडियो में, एक पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो ये जो है वो 1993 में आई थी यशपाल कमेटी, और जो सेकेंड आई थी वो 2009 में आई थी यशपाल कमेटी। अब बात करते हैं यशपाल कमेटी जो 1993 में आई थी, इसमें बात करी गई थी एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमेटी। तो इस यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया किस चीज़ के लिए, नेशनल एडवाइजरी कमेटी के लिए, ठीक है। भाई आप इम्प्लीमेंट जो है वो क्या कर रहे हो, भाई नेशनल एडवाइजरी जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन दी गई कि उसको चेक करने के लिए फिर जो है वो फिजिबल भी होगा या नहीं होगा, मतलब बेनिफिशियल भी है या नहीं है, जो हमारी नेशनल एडवाइजरी कमेटी है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात करी गई। उसके बाद आता है टक वाले कमेटी, ठीक है, टक वाले कमेटी। देखो टक बीएड, बीएड तक, ठीक है, बीएड तक। अब टीचर जो स्कूल वाले टीचर्स हैं वो कहाँ कैसे बनते हैं, वो जब अपनी सॉरी जो अपनी बीएड कर लेते हैं, मतलब अपनी जो पढ़ाई है वो बीएड तक कर लेते हैं, जो बीएड तक कर लेते हैं तो वो अपने टीचर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि जो टीचर्स हैं वो बीएड तक की पढ़ाई कर लेते हैं, तक की पढ़ाई कर लेते हैं तो वो अपने टीचर बन जाते हैं, ठीक है। तो यूजीसी कमेटी ऑन द बीएड थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस इन सर्विस टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बीएड की और कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई। फिर आई अंबानी बिरला ग्रुप, ठीक है। अब देखिए अंबानी और बिरला ये अपने मतलब की बात करेंगे, तो यहाँ पे अपने मतलब की बात ही करी थी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी क्या कि आप जो इंस्टीट्यूशंस खुलवा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा ना जो है वो हक दीजिए कि हम अपने तरीके से खोल सके, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का या कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो इन्होंने अपने मतलब की यहाँ बात करी, तो रिकमेंडेशन क्या दी थी कि फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई भी इंस्टीट्यूशन में ना हो, ठीक है, ये चीज़ बात करी गई। फिर क्या है सैम पित्रोदा कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कब आई, 2009 में, ठीक है। मतलब जो सेटअप हुआ था ये कमेटी वो तो हुई थी 2007 में, लेकिन जो इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी थी वो आई थी 2009 में। तो आप यूँ कह सकते हो कि 2007 से लेकर 2009 तक की ये कमेटी चली थी, ठीक है। अब इसने बात करी गई जो अपने पढ़ा ना एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, भी आपको बताया कि 86 जो अमेंडमेंट हुई थी तो वो यहाँ पे बात की। इट एनश्योर डेट द एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर गेट्स फ्री एजुकेशन इन ए स्कूल। तो इसने एनश्योर किया कि 6 से लेके 14 ईयर के चाइल्ड को क्या फ्री एजुकेशन मिल भी रही है या नहीं मिल रही,
ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रही थी, फंडामेंटल राइट है हर एक पर्सन का, हर एक बच्चे का, कि वो जो 14 साल तक का बच्चा है वो अपनी फ्री एजुकेशन को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे करी गई थी। अब जो सैम पित्रोदा कमेटी है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसको नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहते हैं। रिकमेंड क्या करता है, द फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी, देखो क्वांटिटी की कहीं बात नहीं करी गई, क्वालिटी की ही बात करी गई है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एक्सेस एंड इक्विटी इन हायर एजुकेशन, तो इक्विटी की बात करी गई है किसमें, हायर एजुकेशन में, एंट्रीज ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी। अब सैम पित्रोदा, देखो इसका नाम ही थोड़ा सा लगा है, सैम पित्रोदा है ना, तो सैम पित्रोदा क्या बात करता है, फॉरेन, फॉरेन ये थोड़ा फॉरेनर है ना, तो ये फॉरेन की बात करता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी आप लोग यहाँ पे जो है वो एंट्री दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं टीचर टू बी अवेयर यूज ऑफ आईसीटी। अब ये फॉरेन का बंदा है तो फॉरेन इसने वहां देखा बाहर की, जब इसने अमेरिका वगैरह से आया ये, तो इसने देखा कि यार वहां पे तो आईसीटी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे अभी भी टीचर्स वही हाथ में डंडा और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे फिर चौक के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो इसने रिकमेंडेशन दिया कि टीचर को ना आईसीटी के बारे में भी जो है वो एजुकेशन हो, वो उसके बारे में अवेयर हो, तभी बात बने बन सकती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है किसकी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी की, ठीक है। एक मिनट रुकिए, यहाँ आपने एक यहीं तक करिए, क्योंकि यशपाल कमेटी दोबारा आ जाता है 2009, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो अभी एक बार यहाँ तक कीजिए, ठीक है। तो अभी अभी तक अपन ने क्या किया, देखिए जो अपा पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू करने हैं, इसका 2 ही वीडियो लगेंगे, इसकी एक अभी वाली, एक इसके नेक्स्ट वाली, ठीक है। 2 में अपा कंप्लीट कर देंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो पहली अपनी कमेटी जो थी वो क्या है, फर्स्ट कमेटी राधा कृष्णन वाली, फिर उसके बाद राधा के पीछे कौन आया, मुरली आया, ठीक है, मुदैलियर कमीशन। उसके बाद फिर श्रीमली माली से बोले तो रूरल एरियाज वाली, दुर्गा बाई देशमुख जो कमेटी है वो किस पे है, वुमन वाली। फिर KGS बोले तो UGC, ठीक है, UGC का रिव्यू करने के लिए, सैड भी सैडनेस है कि नहीं है, KGS सैडियन सैडियन, तो सैड है कि नहीं है वो वाली बात करी गई। फिर थर्ड कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कोठारी कमीशन, ये आई कब 1964 में, डेट्स अपने कौन कौन सी याद करने मिली, 1964 की, 68 की और 86 की, ठीक है। यहाँ बात करेंगे 6% जो है नेशनल इनकम का जो है वो आप स्पेंड करोगे किस पे, एजुकेशन पे, और 10+2+3 वाली, 3 वाला जो है पैटर्न आपको दिया गया है। उसके बाद फिर फोर्थ कमेटी संपूर्णानंद कमेटी थी, यहाँ पे मेनली नेशनल एंथम की और यूनिफॉर्म की बात करी गई थी। फिर कोठारी कमीशन पे जो बेस्ड था उनके रिव्यू वगैरह के लिए बात करी गई। नाग जो था वो नाग करता है किसकी, NCERT की जो है वो रिव्यू करता है, नाग NCERT का रिव्यू करता है, ठीक है। फिर श्रीमती मीना स्वामीनाथन कमेटी, ठीक है, देखो मीना, मीना बेचारी छोटी सी बच्ची है, तो उस बच्ची के प्री स्कूल चाइल्ड की आप बात कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्वामीनाथन की एक छोटी सी बच्ची है मीना, तो मीना जो है वो प्री स्कूल चाइल्ड है, उसका जो है वो उसके स्टडी ग्रुप स्टडी की वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करी गई। फिर गजेंद्रा गधाकर, ठीक है, ये अजीब सा नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात करी गई ऑटोनोमस कॉलेजेस की। उसका PD शुक्ला, इसने भी वही सेम बात करी गई किसी कोठारी वाली, 10+2+3 की। उसके बाद एजुकेशन, फिर कंक्रेंट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है अपनी, कौन सी, एक है स्टेट, एक है सेंटर और एक है कंक्रेंट। तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ बात करा गया कि आप सिर्फ स्टेट या सिर्फ सेंटर ना चलाएं इन चीज़ों को, इन चीज़ों को दोनों के दोनों मिलकर चलाएं भी बोले तो, कंक्रेंट लिस्ट में इस चीज़ को डाल दिया गया, एंट्री नंबर 25th में ये एक अमेंडमेंट करी गई, ठीक है। और 86 में क्या किया, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी थी, ठीक है। फिर है ईश्वरा बाई ईश्वर बोले तो 10 ईश्वर हैं अपने, कौन है, 10 ईश्वर हैं। अब 10 ईश्वर क्या करते हैं, 10 ईश्वर बोले तो 10 साल का जो स्कूल का है वो रिव्यू करते हैं, ठीक है। फिर है नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, टीचर्स से बात करेगी भी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का करें, और उनकी सिलेक्शन में बात करेगी भी उनको सिलेक्शन उनका कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 आ गया, अब 86 के साथ काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट थी, जो ये आचार्य रामा मूर्ति था भाई, राम जो है वो मूर्ति बन के अपने ऊपर वाली चीज़ों का रिव्यू कर रहा था, बोले तो नेशनल पॉलिसी का जो है वो रिव्यू कर रहा था। फिर इसने एक्शन जो इसमें आया था एक 1986 का, ये भी आप देख लेना। फिर उसके बाद आया था प्रोफेसर यशपाल कमेटी, दोबारा आई थी एक 93 में, एक 2009 में, 93 वाली अभी पढ़ रहे। तो इसमें देखा था कि जो अपन नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो अपन ने बनाई है वो क्या हमारे लिए फिजिबल है, बेनिफिशियल है भी या नहीं है, तो वो यहाँ पे बात करी गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर तक वाले बोले तो बीएड तक की पढ़ाई, बीएड तक
की पढ़ाई, मतलब बीएड की यहाँ पे बात करी गई थी, ठीक है। फिर अंबानी बिरला, इन्होंने अपने मतलब से बात करी थी कि यहाँ कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो ताकि हमारा प्रॉफिट हो। फिर सैम पित्रोदा बोले तो ये फॉरनर एक बंदा था, इसने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करी थी, इसको नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहते हैं, और इसने कहा था कि भाई बाहर जो बात हो रही है वो चीज़ आईसीटी का इस्तेमाल किया जाए, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी आईसीटी का इस्तेमाल करें। और जो एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो लाया गया था 86 अमेंडमेंट करके, कि 6 से लेके 14 ईयर तक के स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाया जाए, फ्री एजुकेशन दिया जाए, तो उसका रिव्यू करने के लिए यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर जो है वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया तो जो है वो कमेंट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पढ़ाने में दिक्कत है तो वो भी बताइए, ताकि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।